इंडिया इज द होम ऑफ मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये मैंने आपको मेरे हुमा टेम्पल वाले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए तो आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। संबलपुर में ऐसे देवी देवताओं का मंदिर है जिनकी कई अनोखे और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, या हिस्ट्री कह सकते हैं आप। तो आज हम जहाँ जाने वाले हैं, ना केवल गॉडली और कल्चरल सिग्निफिकेंस है बल्कि नेचर का भी वास है और संबलपुर से जुड़ी कुछ बातें भी हैं। सो गाइस, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, लेट्स अनकवर द फैक्ट्स ऑफ माँ घंटेश्वरी टेम्पल ऑफ संबलपुर। लगभग 35 किलोमीटर दूर महानदी के बीचों बीच चिपलिमा नाम गांव पे माँ घंटेश्वरी का मंदिर स्थित है। पहले इस मंदिर को आने के लिए संबलपुर से बुरला, बुरला से गौशाला, गौशाला से चिपलिमा होके आना पड़ता था, जिससे 1.5 से 2 घंटा के आसपास लग जाता। अब महानदी के ऊपर चांवरपुर का ब्रिज बनने के कारण वो 1.5-2 घंटा आधे घंटे में भी जाया जा सकता है। इसलिए आजकल जितने भी श्रद्धालु आते हैं इस मंदिर पे, आधे घंटे के अंदर संबलपुर से पहुंच ही जाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के इर्द गिर्द पेड़ों पे कोई सच्चे दिल से अगर घंटी बांधे उन पेड़ों पे और कोई मन्नत मांगे तो सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है। इसलिए आप देख सकते हैं, आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो माँ घंटेश्वरी चारों तरफ से घंटियों से घिरी हुई है। साल भर हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माँ घंटेश्वरी के दर्शन करते हैं और मन्नतें मांग के जाते हैं, और कहा जाता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। माँ घंटेश्वरी मंदिर के निर्माण के पीछे बड़ी अनोखी और दिलचस्प कहानी है। दंत कथाओं के अनुसार 450 साल पहले महाराष्ट्र के राजा किसी कार्य हेतु संबलपुर के राजा से मिलने आए थे। उन दोनों ने निर्णय लिया कि जंगल की तरफ घूमने चलेंगे। तब उन्होंने देखा दो बच्चे, एक बालक और एक बालिका, जंगल में अकेले घूम रहे हैं। उनसे जाके उनके बारे में पूछा तो उन्होंने चेतावनी दी कि जंगल के आगे ना बढ़ें, अगर आगे बढ़े तो कुछ विपत्ति आ सकती है। तब राजाओं ने उनसे उनके नाम के बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, कल सुबह प्रातः काल पे आइए, तब उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। उसी रात राजा को शिवजी और पार्वती जी का सपना आया कि उन्हें जंगल में जो दो बच्चे मिले थे वो उन्हीं के ही रूप थे और उन्हें वो अघा करना चाहते थे क्योंकि वहां पर वो मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। सच्चाई का ज्ञात होने के बाद राजा रातों रात कुछ सैनिकों को लेकर उसी जगह पे गए और वहाँ उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की और नाम रखा गया माँ घंटेश्वरी। कहा जाता है कि माँ घंटियों के चारों तरफ घिरी रहती है, इसलिए उनका नाम माँ घंटेश्वरी रखा गया और उसी दिन से पूजा अर्चना की शुरुआत हुई।
माँ घंटेश्वरी से जुड़ी एक और कहानी है जिसे संबलपुर वासियों के अनुसार सच माना जाता है। कुछ जमाने में एक मछुआरा रहा करता था जो हर दिन सुबह मछली पकड़ने आया करता था। एक दिन जब जाला उसने फेंका, बहुत कोशिशों के बाद मछली हाथ में नहीं आई। आया तो देखा उसने कि एक पत्थर फंसा हुआ था, तो उसने वो पत्थर को उठा के फिर पानी में वापस फेंक दिया और फिर से मछली पकड़ने लगा। कुछ देर बाद देखा तो कुछ फंसा, तो तब देखा फिर वही पत्थर आके फंसा है, तो निराश होकर वो वापस घर चला गया। दूसरे दिन सुबह आके उसी जगह पे फिर से उसने जब मछली पकड़ने की कोशिश की तो पाया कि वही पत्थर फिर से आके उसके जाल में फंसा है। गुस्से में आके उसने वो पत्थर को जब पकड़ा तो उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। डर के मारे जब वो घर चला गया और इस दृश्य के बारे में जब उसने वो पत्नी को बताया और रात में सो गया, रात को माँ घंटेश्वरी उसके सपने में आई और उन्होंने उनसे कहा कि उसने जो भी किया वो बिल्कुल गलत किया, उसे वो पत्थर फेंकना नहीं चाहिए था। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि उसी जगह पे वो पत्थर को बैठाए और वहाँ पर मंदिर की स्थापना करे, और तब से वहाँ पर मंदिर की पूजा अर्चना हो रही है। और उन्होंने उसे ये भी निर्देश दिया कि वो बिना मुड़े सीधा चले जाए वहाँ से, जगह छोड़ के। कुछ सालों बाद वही मछुआरा छोटा नागपुर का राजा भी बना, और यह माना जाता है कि कई सालों से उसी जगह से हर चैत पूर्णिमा के दिन चढ़ावा भी आता है माँ घंटेश्वरी पे। जिस गांव में घंटेश्वरी का मंदिर है चिपले माँ, वो भी प्रसिद्ध है इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो हीराकुड डैम के बाद ही बना था, जहाँ पे बुल्ला पे भी एक पावर हाउस है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी उसी महानदी रिवर के ऊपर ही बनाया गया है, जिसका आउटपुट है 72 मेगावाट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया था संबलपुर और आसपास के गाँव को बिजली देने के लिए। यहाँ पर एक डैम भी बनाया गया है और डैम के ऊपर एक लोहे का ब्रिज है। चावरपुर ब्रिज बनने से पहले पर्यटक इस लोहे का ब्रिज को पार करके आते थे, और इस लोहे का ब्रिज को पार करने अपने आप में एक रोमांचक है और काफ़ी डरावना भी लगता है, क्योंकि एक तरफ पानी तो एक तरफ खाई। और ये जो लोहे का ब्रिज है ये बहुत समय से बना हुआ है। प्रकृति की अगर बात करूँ तो माँ घंटेश्वरी का मंदिर महानदी के बीचों बीच पानी और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके पास एक बड़ा सा पहाड़ भी है और नदी के तीन बहाव का समूह है, जहाँ पर कई हादसे हुआ करते थे डूबने के, लेकिन इस डैम के बनने के बाद वो हादसे बहुत ही कम हो गए। माँ घंटेश्वरी का मंदिर जहाँ पर है, यहाँ महानदी पे पद प्रदर्शन के लिए भी इस्तेमाल हुआ करता था जिस समय नाव चलाए जाते थे, इसलिए इसे बिना प्रकाश का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है या लाइट हाउस विदाउट द लाइट भी कहा जाता है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशंस और कुछ रिसर्च वर्क मैंने किया था घंटेश्वरी मंदिर के ऊपर। हालांकि मैं ये श्योर नहीं हूँ सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो या ना हो सके, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत पूछताछ भी की और जो सच्चाई जानते हैं वो सब इस दुनिया में है नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग माई वर्क्स। टेक केयर।